3, 2, 1, गो। अबे आगे तो कुछ बोलो। अरे बोलो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू एनबीसी ईस्पोर्ट्स चैनल। और आज हम 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के लिए कर रहे हैं एक स्पेशल इन एनबीसी ईस्पोर्ट्स रिपब्लिक डे क्विज। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनबीसी के चार मेंबर्स में पार्ट लेंगे और इन चार में टीम डिवाइड होगी दो दो की, जिसमें दोनों में होंगे दो दो मेंबर्स। तो आइए चलो चलते हैं सीधा रूल्स पे। सबसे पहला रूल, आपको एक एक करके मैं सवाल दूंगा और आपको एक एक करके मुझे जवाब देना। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे +2 पॉइंट्स, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेंगे -1 पॉइंट, अगर आपने क्वेश्चन पास किया दूसरी टीम को तो आपको मिलेंगे 0 पॉइंट्स, अगर उस पास हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट टीम ने आंसर करेक्ट किया तो उनको मिलेगा 1 पॉइंट, और अगर उसी सवाल को उन्होंने गलत किया तो उन्हें मिलेंगे 0 पॉइंट्स। तो आइए मिलते हैं आपकी टीम से। तो एक टीम है टॉमी और टाइसन की, आप अपनी टीम का क्या नाम देना चाहेंगे? हेलो हेलो, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, हमारी टीम का नाम है शूरवीर सेना। लेट्स गो लेट्स गो, चलो। और एक टीम है हमारे पास जॉन्टी और ऋषि की, तो आप अपनी टीम को क्या नाम देना चाहेंगे? हम लोग अपनी टीम को नाम देंगे डैशिंग देशभक्त। लेट्स गो लेट्स गो। ₹10 वाली कंपनी। चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड डायरेक्ट Q&A। तो पहला क्वेश्चन टीम डैशिंग देशभक्त के लिए, वो लेट्स गो या हु अनफर्ल्स द फ्लैग इन रिपब्लिक डे सेरेमनी? रिपब्लिक डे सेरेमनी में झंडा कौन अनफर्ल करता है? ऋषि ऋषि देखो, there are only two legit options, either the prime minister or the president of India. ठीक है, so I genuinely think that it's the president of India. I genuinely think same to same. We should go for the starting में risk ले लेना चाहिए, बाद में I don't think. बाद में वैसे भी I don't think, जब हमें लगता नहीं है ये टाइसन की बस की बात होगी, ये टाइसन की बस की बात होगी नहीं मुझे लगता। हाँ, खासकर टाइसन एंड टॉमी, आई डोंट थिंक दैट शूरवीर सेना कैन डू एनीथिंग हमारे खिलाफ। वी वुड गो फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉक कर दिया जाए। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बोलना है उसके बाद। फाइनल आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ मिसेस। आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेट्स गो, बिल्कुल सही। लेट्स गो, लेट्स गो। मेरी तरफ से अब पहला क्वेश्चन टीम शूरवीर सेना के लिए, क्या तैयार है? यस, लेट्स कम। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद। लेट्स गो राजेंद्र प्रसाद बेबी। अब आपका फाइनल आंसर, फाइनल बोले, फाइनल आंसर ये फाइनल आंसर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं +2 पॉइंट्स। टाइसन भाई आपको हेट मिलने वाली थी पर आपने आखिरी में सही बोल दिया डॉक्टर लगा के। तो टीम डैशिंग देशभक्त तैयार फिर से? ऑन योर टोज, लेट्स गो, वी आर रेडी। आपके लिए क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? I know this. Rishi, is it Mrs. Pratibha Patil? Miss or Miss? Pratibha Patil. Yeah. Pratibha Patil. Let's go. Final answer. Final answer, Pratibha Patil. Yeah. आप गलत हैं क्योंकि पहली Prime Minister of India थी इंदिरा गांधी। Oh, Prime Minister!
Very good. Very good. आपको मिलते हैं minus one point. ये है देशभक्त. ये है हमारे dashing देशभक्त. Shit यार. Here issue. कोई नहीं. We will get him next time. We'll catch him next time. Team शूरवीर सेना, क्या आप तैयार हैं अब? We are ready. आपका क्वेश्चन है, who designed the national flag of India? टॉमी भाई. टॉमी भाई, तिरंगे को, इनका कहना है कि तिरंगे को किसने बनाया? डिजाइन किसने किया है? डिजाइन. तो क्या लगता है? मोदी. वाह क्या सीन है. हाँ, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पास करते. तो आई गेस हमारा जवाब होगा, क्वेश्चन पास होता है टीम डैशिंग देशभक्त. टॉक टू मी ऋषि. आई थिंक इट्स बिटवीन कौन थी. आई गेस ही दैट पर्सन इज डेफिनेटली था. यस, मैंने तभी बिटवीन बोला. या बिटवीन थी एंड था. मनीष मल्होत्रा फाइनल आंसर. चलो रॉन्ग. नहीं आता तुम्हें. क्लोज. क्या आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तैयार है? बॉर्न रेडी. बताइए, which freedom fighter said swaraj is my birthright and I shall have it? Kis freedom fighter ne kaha tha ki swaraj is my birthright and I shall have it? I would like to say something ki meri history zyada strong nahi hai but mere chote bhai ki bahut strong hai. So rishi, go for it. छोटे भाई का भूगोल खराब. मुझे दस्त है. बताओ छोटे भाई. one person can say लाल बहादुर शास्त्री. I think Jonty, it could be. तिवारी जी हंस गए. लाल बहादुर शास्त्री फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए. आई डोंट थिंक लाल बहादुर शास्त्री है बट लॉक करवा दिया. लॉक करवा दिया. हां फाइनल आंसर था. फाइनल आंसर था. नहीं है. अबे फ्रीडम फाइटर बोला उसने फ्रीडम फाइटर बोला है. कोई बात नहीं. टाइसन रेंडे क्योंकि हमारी टीम के नहीं है. सही कह रहा है. दे रहा है. इसने लॉक कर दिया. नहीं लॉक नहीं. लॉक नहीं है. लॉक नहीं है. लॉक फाइनल आंसर बोलना है. फाइनल आंसर नहीं बोला उसने. एक मिनट होस्ट बोलेगा. उन्होंने बोला है लॉक किया जाए. फाइनल आंसर हमें कीवर्ड चाहिए. फाइनल आंसर. ये कोई बात नहीं होती. ये तो बायस कर रहे हो. मैं ना लाल बहादुर शास्त्री क्यों लग रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री फ्रीडम फाइटर नहीं है. कौन है? आई गेस इट्स अरे इसी लाइन में है जो हिंसा चाहता था. लेकिन भगत सिंह. इज भगत सिंह द राइट आंसर? बट आई डोंट थिंक. नहीं भगत सिंह नहीं है. भगत सिंह तो उससे पहले ही. सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और आई डोंट रिमेंबर एनी अदर एल्स. प्लीज सुभाष चंद्र बोस आई थिंक. सुभाष चंद्र बस वो है भाई. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. लाइनें सुनो ना. लग नहीं रहा कि उसने इससे पहले ये बोला उसके बाद वो बोल. I would like to say pass. Final answer pass. Tommy team dashing देशभक्त का final answer pass है. इसलिए उसको उनको 0 point मिलते हैं और ये pass होता है
टीम शुरू सेना अभी तो क्या बोलना चाहेंगे मेरे ख्याल से देखो हमें 0 पॉइंट मिलने वैसे भी हम गलत भी बोलते हैं हमें जवाब दे देना चाहिए और मेरे हिसाब से ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा चंद्रशेखर आजाद पर ये आंसर गलत है बाल गंगाधर तिलक नॉट इवन क्लोज लाल बाल पाल में से नॉट बाल गंगाधर क्लोज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है इन द फेमस लाल बाल पाल ट्रायो हु वाज पाल लाल बाल पाल ट्रायो इन द फेमस लाल बाल पाल ट्रायो हु वाज पाल आयुष पाल सुनील पाल बेंजामिन पाल नहीं वो पाल था सॉरी नहीं मैं हम जवाब नहीं दे रहे लाल वाज आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री बाल वाज बाल गंगाधर तिलक ओह ये तो मैंने बोल दिया सबने बोल दिया क्या बात है वेरी गुड हु वाज पाल पाल वाज मैं कोशिश करके देखता हूं लाल बाल पाल यू छोटा सा फोन पकड़ा हुआ कोशिश नीचे देखा मेरी छोटी सी कोशिश ये है कि मैं मेरे ख्याल से पास करना चाहूंगा पास करना आंदो फाइनल आंसर आपको पास करना चाह रहे हो आप यस आंदो तो टीम शूरवीर सेना एक क्वेश्चन करती है पास ऑन टू टीम डैशिंग देशभक्त क्या होगा आपका आंसर आई नो दिस मेरे को बाल तुमने याद दिलाया मुझे लाल तुमने याद दिलाया मुझे पाल भी याद आ गया लेट्स गो ऋषि या यू कैन डेफिनेटली बिपिन चंद्रपा फाइनल आंसर फाइनल आंसर तिवारी जी बिपिन चंद्रपाल बिपिन चंद्रपाल इज एब्सोल्युटली राइट लेट्स गो ऋषि मेरे भाई लेट्स गो क्या बात है ऋषि क्या बात है लड़के गुड बाय नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन अरे रविंद्रनाथ टैगोर मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर फाइनल आंसर भी बोलिए बार बार भी याद दिलाना पड़ता है फाइनल आंसर मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर Final answer, Mr. Rabindranath Tagore is absolutely right answer. Let's go! Plus 2 points. Woo! Woo! So, aapka next question ye hai, ye. India is federal union comprising 28 states and how many union territories? 9 union territories. Kya aapka final answer hai? Aisa, are you sure? बोला था तूने तुरंत एकदम नहीं नहीं सुन मेरे को बस कंफ्यूजन यही है कि 9 है या 10 है तो ये तू बता सकता है मुझे अगर तेरे को कहीं से पता हो तो मुझे 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 एक चीज इनमें से दे दे कि 9 या 10 क्योंकि 9 थी मैंने लास्ट जब पढ़ा था तो 9 करते हैं फिर तिवारी क्या कह रहा तिवारी क्या उंगली चुन उंगली चुन नहीं है ऐसा कुछ भी मेरी उंगली चुन ऐसा हाँ क्या मैं कौन सी पकड़ी है ये बता ना ये लेफ्ट वाली ये हाँ ये वाली हाँ तो नौ कर देते अब 9 यूनियन टेरिटरीज पे फाइनल आंसर अपना देना चाहिए 9 यूनियन टेरिटरीज फाइनल आंसर इज रॉन्ग आंसर लेट्स गो करेंटली इंडिया हैज 8 टेरिटरीज या 8 इतना भी नहीं पता क्या अबे यार तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट
एरिया हाँ इन इंडिया राजस्थान फाइनल आंसर आपका फाइनल आंसर बिल्कुल सही है लेट्स गो डिस्काउंट लेट्स गो तो टीम शूरवीर सेना के लिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन द समर कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज दो है ना विंटर देहरादून है और समर शायद से हल्द्वानी नहीं 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 हल्द्वानी नहीं उधम सिंह नगर में तो है भाई कंफ्यूजन हो गया दो भी गोवा गोवा चुप रहे ओए अब मैं ना मैं तीन क्वेश्चन से देख लिया मैंने ये बंदा मिसलीड कर रहा है इसको माइनस पॉइंट हमने एक बार भी नहीं बोल रहा है ये पीछे बोल रहे हैं माइनस वन पॉइंट फॉर डैशिंग सर सर लास्ट वार्निंग सर लास्ट वार्निंग सर लास्ट वार्निंग सर सर लास्ट वार्निंग सर 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 लास्ट वार्निंग सर सर लास्ट वार्निंग सर सर लास्ट वार्निंग सर सर प्लीज सर सर प्लीज सर सर प्लीज सर श्रीनगर तो नहीं है मेरे ख्याल से श्रीनगर बोलते खत्म कर ले कर ले अब क्या ही पता चलो बोल कैसे तिवारी जी जी बोलिए हमारी हमारा फाइनल आंसर है श्रीनगर फाइनल आंसर श्रीनगर बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है पता नहीं क्या कर रहे हो यहाँ रह के पर गलत जा रहे हो माइनस वन पॉइंट सही आंसर बताओ सही आंसर है गैरसैंड गैरसैंड तो राउंड वन खत्म होने के बाद टीम के स्कोर है टीम डैशिंग देशभक्त है 5 पॉइंट्स पर लेट्स गो और टीम रूप में होगी टूरी सेना है 0 पर तो अब शुरू हम करने जा रहे हैं सेकंड राउंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं हम टीम शूरवीर सेना के लिए लेट्स गो क्या आप तैयार हैं बिल्कुल हाउ मेनी इयर्स हैज इंडिया सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑप्शन ए 60 इयर्स ऑप्शन बी 72 इयर्स ऑप्शन सी 75 इयर्स या ऑप्शन डी 99 इयर्स ऑप्शन 75 भक्तों के लिए तो क्या आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी महाराष्ट्र ये हो सकता है ऑप्शन सी बिहार ये भी हो सकता है या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश मुझे ए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऋषि आपको भी तो नहीं लग रहा है मुझे तो नहीं लग रहा है तो I would like to say final answer is our option Uttar Pradesh A. आपका final answer Uttar Pradesh A बिल्कुल सही है आपको. Let's go. Next question team शूरवीर सेना के लिए क्या आप तैयार हैं? We are ready. बिल्कुल. आपका question है ये. Who was the first Indian to travel to space? Option A. सुनीता विलियम्स बोलो ऑप्शन बी रवीश मल्होत्रा ऑप्शन सी राकेश शर्मा या ऑप्शन डी कल्पना चावला दिस इज कल्पना चावला वाज नॉट इंडियन ओके कल्पना चावला वाज नॉट इंडियन वेरी डिफिकल्ट व्हेन ही वेंट व्हेन शी वेंट देयर व्हेन ही तो मेरे ख्याल से राकेश शर्मा इज द राइट आंसर टॉमी पक्की बात है हम देख टाइसन भाई बहुत श्योर है
हाँ तिवारी राकेश शर्मा फाइनल फाइनल आंसर। अच्छा आपका ऑप्शन सी राकेश शर्मा फाइनल आंसर है? यस जी। आपका फाइनल आंसर बिल्कुल सही है। सही है सही है। ओह ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। Who won the first individual Olympic medal for India? Option A, Abhinav Bindra. Option B, Mahesh Bhupati. Option C, Urfi Javed. Yeah. Option D, KD Jadhav. ये बढ़िया था। Good, good. Yeah. It could be KD Yadav. We don't know. It could be. But it could also be Abhinav Bindra, I think. A few moments later. We will pass this for pass. We will pass. Let him go. Okay, repeat the question. ऐसे तो ऐसे कर रहा है क्वेश्चन को पास. अबे साले. A few minutes later. मैं बोलता रहा हूँ तुझे, भाई पक्के की क्या बात है यार। देख अगर हमें एक पॉइंट मिलता है अगर जीरो पॉइंट मिलते हैं तो मिलते हैं भाई, हमारा थोड़ी है, समझ रहा है मेरी बात। तो तिवारी जी, डी के डी जादव पे हम जाना चाहेंगे। फाइनल आंसर आपका डी के डी जादव बिल्कुल सही आंसर है। आपको मिलते हैं प्लस वन पॉइंट मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम शूरवीर सेना के लिए, क्या आप तैयार हैं? यस वी आर रेडी सो रेडी। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट? इज इट ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, इज इट ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, इज इट ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, और इज इट ऑप्शन डी जेठालाल चंपकलाल गड़ा? ऑप्शन डी। तो टॉमी ऑन अ सीरियस, ऑप्शन डी सही है मेरे। हाँ टॉमी मैं ये बोल रहा हूँ सुनील गावस्कर पे लॉक करते हैं। सुनील गावस्कर जी पे हम लॉक करना चाहेंगे। आपका फाइनल आंसर बी सुनील गावस्कर जी है? यस जी, आई थिंक दे आर राइट। तो आपका ऑप्शन बी सुनील गावस्कर जी बिल्कुल सही आंसर है। लेट्स गो, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फाड़ने आ रहा है। अरे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू प्रेसाइड अ कांग्रेस सेशन इन 1917? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी चंद्रमुखी चटर्जी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी रानी लक्ष्मी बाई। डू यू ट्रस्ट मी ऑन दिस लिटिल ब्रदर? आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली हियर। सो फाइनल आंसर Annie G. तुम हो प्रिंसिपल। फाइनल आंसर आपका एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर। लेट्स गो, लेट्स गो। क्या आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयार हो? वी आर इन फॉर्म मैन, वी आर इन फॉर्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हु लॉन्च द बंगाल गजेट The first newspaper of India? Okay. Is it option A, J.A. Hickey? Ya Hickey, jo bhi bol sakta hai. Is it option B, Batao. Devendranath Tagore? Okay. Is it option C, Aurobindo Ghosh? Or is it option D, Annie Besant? Well, I think it's option C. नाम मैं ठीक से बता नहीं सकता तो आप बता दीजिए। और अरबिंदो घोष।
Aurobindo Ghosh, yes. Because the first newspaper was from Bengal. तो या तो देवेंद्रनाथ टैगोर तो मुझे नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से अरविंदो घोष ने लिखा था तो टॉमी आपके क्या विचार है नो क्लू कोई विचार नहीं है मैं अरविंदो घोष पे ऑप्शन सी अरविंदो घोष बिल्कुल गलत आंसर है आपके होते हैं माइनस वन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हु कैप्टेन्ड इंडिया टू इट्स फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 1983 ऑप्शन ए कपिल देव ऑप्शन बी सुनील गावस्कर ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर ओके या ऑप्शन डी सौरभ गांगुली सुनील गावस्कर या कपिल देव में कंफ्यूजन आपको बन रहा है नहीं बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है मुझे तो आई एम तो श्योर अच्छा आप अच्छा आपको आंसर नहीं पता ड्रिफ्ट था अच्छा अच्छा सॉरी तो इसे ही बोलने दे ना इसे ही बोलने दे मैं देखना चाहता हूँ इसे ही बोलने दे मेरे को लेकिन देना इसको बोलना ऋषि को बोलने दे ऋषि को एक आंसर लॉक इन करने देते हैं ऋषि को ऋषि का आंसर मैं पहले बता रहा हूँ फाइनल नहीं होगा लेट ऋषि को कपिल देव हाँ लेट देख ले इसको चलो लेट देख कपिल देव फाइनल आंसर आपका फाइनल आंसर ए कपिल देव बिल्कुल सही है बहुत इजी था आपको मिलते हैं प्लस टू पॉइंट्स मेरी तरफ से तो आपका क्वेश्चन है ये विच इंडियन चेस प्लेयर होल्ड्स द प्रेस्टीजियस टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर टाइसन शुड नो दिस इज इट ऑप्शन ए तो टाइसन को पता होगा भाई टाइसन को पता होगा क्या दोबारा बोलना दोबारा विच इंडियन चेस प्लेयर होल्ड्स द प्रेस्टीजियस टाइटल ऑफ द ग्रैंड मास्टर ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद ऑप्शन बी हरि कृष्ण कुनेरू ऑप्शन सी पेंटाला हरि कृष्ण या ऑप्शन डी अधिबान बसकरन तो आपका फाइनल आंसर क्या है विश्वनाथ आनंद ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद आपका बिल्कुल सही जवाब है आपको मिलते हैं प्लस टू पॉइंट्स क्या बात है टाइसन लव यू यार भाई तो आपका क्वेश्चन है ये Who is the youngest Indian woman to climb Mount Everest? Option दो. Option दे चल. Is it option A, Arunima Sinha? Is it option B, Malavath Purna? Is it option C, Santosh Yadav? Or is it option D, Bachendri Pal? I think. जरूरी नहीं बचेंद्री है तो मतलब यंगेस्ट ही होगा ऋषि नहीं नहीं यही है मैं बता रहा हूं मैंने नाम सुना है आई थिंक सो ए है आई थिंक सो नाइस वर्ड प्ले बचेंद्री नॉट तिवारी जी ए क्या था अरुणिमा पाल ये है अरुणिमा सिन्हा अच्छा नहीं ये तो नहीं हो सकता आई थिंक सो ये है पोपाल थी यार आई थिंक सो यही है डी लग रहा है छोटी यार मुझे लग रहा है ए चल तू छोटा भाई है तो तेरे लिए एक पॉइंट तो रिस्क कर ही सकते हैं डी कर दो भाई छोटे भाई के लिए बचेंद्री पाल सही है डी बचेंद्री पाल आपका बिल्कुल गलत जवाब है इसका सही आंसर था मालावाद पूर्णा ऑप्शन बी वर्ड प्ले हमेशा सही नहीं होता वर्ड प्ले हमेशा सही नहीं होता तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू राउंड खत्म होता है और हम बढ़ते हैं गेस द पर्सन पे चलो इसमें मैं आपको शो करूंगा एक जानी मानी हस्ती की पिक्चर और आपको बताना पड़ेगा कि वो है कौन तो टीम डैशिंग देशभक्त क्या आप रेडी हैं अपनी फर्स्ट पिक्चर के लिए यस वो आपकी फर्स्ट पिक्चर है ये आपकी स्क्रीन पर अच्छा आ गई ग्रुप आ गई लेट्स गो
Yes, the famous person. बताओ भाई जल्दी करो. मिस्टर महात्मा गांधी. पूरा नाम. पूरा नाम बताओ. मोहनदास करमचंद गांधी. बापूजी. सही बापूजी. क्या ये आपका फाइनल आंसर है? फाइनल आंसर. यस सर. फादर ऑफ द नेशन. तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है. आपको लेट्स गो. एक कदम पीछे दो कदम आगे. इजी. क्या आप रेडी हैं अपनी इमेज के लिए? दे आर बैक इन फॉर्म. यस. आपकी इमेज है ये आपकी स्क्रीन पर. ये जानी मानी हस्ती कौन है? मैं तो कहूं तिवारी जी को हिंट दे दो. नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है. मुझे आंसर पता है. कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है. आंसर पता तुझे? मुझे आंसर कैसे पता साले? तुझे आंसर इसको आंसर कैसे पता भाई? उसको नहीं पता आंसर. तुम नहीं बता पाएंगे. पास कर रहे हैं. पास कर रहे हैं. पास कर रहे हैं. हम हमारा फाइनल पास होगा. तो टीम शूरवीर सेना कर रही है क्वेश्चन पास. ऑन टू यू टीम डैशिंग देशभक्त. तो भाई जो ये फोटो है ऋषि मुझे नहीं पता है इसका आंसर. बिल्कुल गलत जवाब है. इसलिए उनके होते हैं 0 points. कौन है ये? Who is this person? Who is this guy? This is Lord Mountbatten, the last Viceroy of India. वो क्या करता है रे तेरी तो? Basically Mountbatten ही थे जिन्होंने लगान में तीन गुना लगान भागी थी. ये है पिक्चर. ये आपकी स्क्रीन. अरे ये जॉन्टी. अरे मुझे पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल. आर यू श्योर? आई थिंक दिस इज इट. सरदार वल्लभ भाई पटेल फाइनल आंसर. फाइनल आंसर. फाइनल आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है. लेट्स गो ऋषि. क्या बात है. क्या बात है. बहुत बढ़िया यार. बहुत बढ़िया ऋषि. बहुत बढ़िया. गुड. क्या आप अपनी नेक्स्ट पिक्चर के लिए तैयार हैं? यस. तो आपकी नेक्स्ट पिक्चर है ये आपकी स्क्रीन पर. ये जानी मानी हस्ती कौन है? थैंक यू यार. लव यू यार. लव यू यार. सुनील. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. फेमस फुटबॉलर सुनील छेत्री. भाईचंद भूटिया. आपका फाइनल आंसर है? भाईचंद भूटिया. यस. यस फाइनल आंसर. माइनस 1 पॉइंट फिर से टीम डैशिंग के लिए. अरे अरे मैंने कहा था. अरे आंसर मस्ती नहीं रुकनी चाहिए पर आंसर नहीं देने. अरे मस्ती तो थी. अरे आंसर था बाइचिंग भूटिया. बाइचिंग भूटिया. मैंने एक बार बोला था मुझे तुमने तो दूसरी बार क्यों बोला? अब ऋषि ऋषि डर दे लो. यस फाइनल आंसर है आपका सुनील छेत्री. बिल्कुल सही जवाब आपका. सॉरी. अरे 1 पॉइंट शून्य बिल्कुल. तो वापस आते हैं टीम डैशिंग देशभक्त ले. क्या आप अपनी नेक्स्ट पिक्चर के लिए तैयार हैं? यस ऑब्वियसली. आपकी नेक्स्ट इमेज ये है आपकी स्क्रीन पर. अरे डोंटी यू वांट दिस. अरे नहीं नहीं लेट्स थिंक. राजेंद्र प्रसाद की ऐसी टोपी थी या नहीं थी? आई डोंट थिंक नहीं थी. डोंटी मुझे याद है दो ही आदमी थे जिसकी ऐसी टोपी थी. एक थी नेहरू. उसकी शक्ल मेरे को याद है. उनकी शक्ल मेरे को अच्छी तरह याद है. दिस इज नॉट हिम. दिस इज नॉट हिम. दिस इज नॉट हिम. आर यू श्योर? और एक राजेंद्र. यस आई थिंक देन दिस इज राजेंद्र प्रसाद. डू यू आर यू श्योर? आई थिंक आई एम श्योर. या फाइनल आंसर. फाइनल आंसर. फाइनल आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आपका बिल्कुल सही जवाब है. लेट्स गो ऋषि. लेट्स गो. पता था यार. पता था. इधर पता था यार. अब जाते हैं टीम सेना पे. क्या तैयार अपनी नेक्स्ट पिक्चर के लिए? या हां जी.
आपकी नेक्स्ट इमेज ये है आपकी स्क्रीन पर। तब स्क्रीन खोल रहे थे। क्या बात है, क्या बात है टाइसन, क्या बात है ये तो बताओ। बिना क्या बात है टाइसन ये तो बताओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट टॉमी भाई बताओ सर ये कौन है? ये है सुभाष चंद्र बोस। तो पता है बदतमीजी कर रहे भाई मेरे से। यू नॉटी नॉटी। फाइनल आंसर क्या है तिवारी भाई? सुभाष फाइनल नेता जी। फाइनल आंसर सुभाष चंद्र बोस जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्लस 2 पॉइंट्स आपके लिए। और इसी के साथ हमारा होता है राउंड 3 ओवर। और अब बारी है पॉइंट्स की। अब आपको एक एक करके आपके पॉइंट्स बताए जाएंगे राउंड 1 से राउंड 3 तक। या लेट्स गो। क्या बात है, क्या बात है। तो पहले राउंड में टीम डैशिंग देशभक्त के पॉइंट्स थे 5। यस। और टीम शूरवीर सेना के थे 0 पॉइंट्स। जय। राउंड सेकंड में काफी अच्छा कमबैक करते हुए टीम शूरवीर सेना के थे 8 पॉइंट्स। और टीम डैशिंग देशभक्त के थे 5 पॉइंट्स। और लास्ट राउंड में टीम डैशिंग देशभक्त के थे 5 पॉइंट। और टीम शूरवीर सेना के थे 4 पॉइंट। लेट्स गो, लेट्स फकिंग गो। टोटल पॉइंट, लेट्स गो। टीम शूरवीर और टीम देशभक्त के थे 8 पॉइंट शूरवीर और 15 पॉइंट देशभक्त। यस। और इसीलिए इस क्विज के विनर हैं टीम डैशिंग देशभक्त। तो कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द टीम राउंड। थैंक यू। बट एक बात कहनी थी। क्या क्या? देशभक्त तो एक ही हो सकता है। वो मैं हूं देशभक्त। देशभक्त चैंपियन एक ही हो सकता है। सो आई चैलेंज यू टू राउंड 4। एग्जैक्टली जॉन्टी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं राउंड 4 पे, जो कि है रैपिड फायर राउंड। तो अब मैं आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पहले कौन जाना चाहता है? छोटे भाई जाओ जाओ। गर्ज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटे तुम ये चीज जाओ, हम जॉन्टी भाई, जॉन्टी भाई, ऋषि भाई जाओ चलो। छोटे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो ऋषि भाई हारेंगे। 30 सेकंड्स ऑन द क्लॉक। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा। सही है। Who was the first Indian to win Nobel Prize? रविंद्रनाथ नहीं, मदर टेरेसा। गलत है। Which Indian monument is known as the Monument of Love? ताजमहल। सही है। What is the national bird of India? National bird peacock। सही है। What is the highest mountain peak in India? Kilimanjaro। गलत है। What is the name of the largest desert in India? हैं? आई ये मैं ऐसे ही बोल देता हूँ तुम्हें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? What is the name of the largest desert in India? Largest desert is Thar। सही है, बहुत सही। और इसी के साथ आपके होते हैं 4 पॉइंट्स। क्या तुम रेडी हो? बॉर्न रेडी। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब, which Indian city is known as City of Lakes? जयपुर। नहीं, which Indian city is known as Silicon Valley of India? Bangalore। सही है। What is the national animal of India? Peacock। नहीं, tiger, 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 tiger। What is the name of India's first satellite? विक्रमादित्य। चलो। Who is the first Indian woman to go to space? कल्पना चावला। Yeah. Which is the smallest state in India? Ye ruk jao, time's up. Which is the smallest state in India by area? Chhattisgarh. Oh. Galat ho gaya, khatam ho gaya. Galat.
तो इसी के साथ 4-2 के स्कोर के साथ जीता है हमारा अपना ऋषि रावत। ऋषि के कुछ शब्द, ऋषि के विनिंग स्पीच। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, दो शब्द, दो शब्द। Let's go. As expected. Winner Rishi को हटाया जाता है, करा जाता है उन्हें disqualify. Let's go, Jonty. Let's go, Jonty. Woo, woo. मेरी winning speech. तो दोस्तों, मैं आज thank you करना चाहूँगा अपने मम्मी पापा को, भगवान जी को और मेरे सारे दोस्तों को जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज ये अवार्ड जीत पाया हूँ। मैं सभी थैंक यू उन सबको कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे पे यकीन करा जब पूरी दुनिया मेरे पे यकीन नहीं करती। थैंक यू, तो थैंक यू लूजर, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इसी के साथ ये क्विज होता है यहीं पे खत्म। थैंक यू आप सभी के लोगों का यहाँ पे स्टे ट्यून करने के लिए और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, और हम सब की तरफ से आपको हैप्पी रिपब्लिक, हैप्पी रिपब्लिक डे, चलो गाइस दैट्स इट, सावधान रहे, दैट्स इट, सतर्क रहे, सावधान रहे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो पे अगले चैलेंज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ते शेयर ते सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, हैप्पी रिपब्लिक डे, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।